देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी के वीरों की कहानी बताएंगे, जिसे जान आपको भी गर्व होगा। बाराबंकी वो जिला जहां पर कई स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो देश को आजादी दिलाने के लिए कुर्बान हुए। यहां पर अंग्रेज लोगों पर इतने जुल्म किया करते थे कि गांव के कुओं में मिट्टी का तेल मिला दिया था और गांव का सारा राशन फिकवा दिया था। दरअसल देश को मिली आजादी से पहले बाराबंकी जिले के दरियाबाद क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद से देश के अंदर आजादी को लेकर क्रांति फैली थी। बाराबंकी जिले में दो बार महात्मा गांधी भी आए थे। साल 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बाद लोगों में क्रांति की आग धधक उठी थी। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर देश में छिड़ी मुहिम में यहाँ के लोग भी कूद पड़े थे। बाराबंकी जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर हरक क्षेत्र भी आज उन्हीं क्रांतिकारियों के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने देश की आजादी को लेकर काफी संघर्ष किया। हरक से ऐसे सैकड़ों लोग हुए जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। उन सैकड़ों क्रांतिकारियों में से 18 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो अंग्रेज हुकूमत के दौरान जेल भी गए, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज अफसर को न सिर्फ जूतों की माला पहनाई बल्कि अंग्रेजी डाक और रेलवे स्टेशन को भी लूटा, जिसके बदले उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। ऐसे क्रांतिकारियों में हरक के शिव नारायण, रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री राम, मक्का लाल, सर्वजीत सिंह, रामचंद्र, रामेश्वर, कामता प्रसाद, सर्वजीत, कल्लू दास, कालीचरण, बैजनाथ प्रसाद, राम गोपाल, रामकिशन द्वारिका प्रसाद और मास्टर सहित 18 लोग शामिल थे। साल 1942 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने सभी को ताम पत्र देकर सम्मानित किया था। ऐसे में उन लोगों का अपने ऊपर फख्र करना लाजमी है जिनके परिवार के लोगों ने इस आजादी के लिए यातनाएं झेली थी। हाँ, जानकारी है। तो पढ़ने गए थे सत्री को, तो वहीं पर लूटा, लूटिन सब लूट फूट के ही, और सब सब हियाँ भर भी है सब, तो हियाँ अपन सब ऐसी ऐसी सब कहीं हम डांट दिए सब, सब यह है कई दिन। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचंद्र के बेटे उपेंद्र कुमार बताते हैं कि कैसे एक अंग्रेज एवी हार्डी नाम के डीएम को नाटक में जूतों की महला पहनाई थी। अरे उसमें हाँ, गांव वाले नाटक खेले थे, तो वही वो नाटक में जो हमारे जिला के अधिकारी थे हार्डी, उनको बुलाया गया था और उन्हीं के ऊपर वो नाटक खेला गया, मगर वो जान नहीं पाए। फिर बगल गाँव के हमारे जो एक थे नानमऊ के, उन्होंने दूसरे तीसरे दिन समझा दिया उसको, फिर उसने तो गाँव में आग लगा दी और जो जहाँ मिला उसको पकड़ ले गए, जानवर सब खोल दिए गए, फिर उसमें तांडव बहुत तगड़ा किया डीएम ने। तो आप उनके सुपुत्र हैं, फक्र होता है आपके पिताजी ने लड़ाई लड़ी? बिल्कुल फक्र होता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचंद्र के दूसरे बेटे भूपेंद्र कुमार बताते हैं कि उनकी माँ को हर साल सम्मान मिलता है। गाँव के पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाम से द्वार भी बना है। अरे 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मान मिलता है, मम्मी को मतलब डीएम साहब के यहाँ जाना पड़ता है, हम लोग को भी ब्लाक में या फिर पंचायत भवन में सम्मान मिलता है। गांव में भी अमृत सरोवर बना है, गेट बना है, क्या क्या उनकी याद में है आपके यहाँ गांव का? हमारे यहाँ गांव में उनके नाम पे गेट बना हुआ है, अमृत सरोवर पर काम चल रहा है, उसी कार्य चल रहे हैं, ब्लाक स्तर पर भी मतलब होता है। वहीं एक ग्रामीण अंग्रेजी हुकूमत में यातनाओं को याद करते हुए बताते हैं, अंग्रेजों ने गांव के कुओं में मिट्टी का तेल भी मिला दिया था और गांव का सारा राशन फिकवा दिया था। हाँ, वही जो है जब ये सब हुआ तो कुओं में मिट्टी तेल डलवा दिया, राशन जो है सब एक ही में मिलवा दिया, दाल चावल गेहूं आटा सब जो है यही सब। मानते हैं बड़ा योगदान था उनका? हाँ, बहुत बड़ा योगदान था। तो आपकी उम्र क्या रही होगी जब वो लोग थे, या कुछ आप लोगों ने देखा उनको? हाँ, कुछ लोगों को हमने देखा है, जैसे कल्लूदास साहब थे, एमएलसी बाबू पुतुलाल थे, कालीचरण थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान के बारे में प्रधान प्रतिनिधि चट्टान सिंह बताते हैं कि उन्होंने आजादी के लिए क्या क्या किया। हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 18 लोग हमारे गांव के ही थे और देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए सारे लोग। डाकघर भी लूटा सतरिक का, और बुढ़वल का कहाँ का जो है वो मतलब रेलवे स्टेशन भी लूटा, और सारे लोग जेल भी गए, काला पानी हुआ उनको बहुत भी, मगर कोई लोग साथ नहीं छोड़ा। आज़ादी के लिए वो तन मन से
पूर्णतया निष्ठावान उन्होंने लड़ाई लड़ी। किस तरह से याद करते हैं उनके योगदान को गांव के लोग और आप लोग? हमारे गांव के लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को अमृत सरोवर पे पहले तो आते हैं पंचायत भवन में, उसके बाद अमृत सरोवर जब से बना हुआ उन्हीं के नाम बना हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम, और यहाँ पत्थर भी लगवाया जा रहा है उन्हीं के याद में, और हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को उन्हीं की याद में पूरे गांव के लोग आकर के झंडारोहण करके मिष्ठान बांट करके मनाया जाता है खुशियों से। अंग्रेजों से लड़कर देश को आजाद कराने की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को जितना याद किया जाए वो उतना कम है। अगर वे उस समय हिम्मत दिखाते हुए न लड़ते तो शायद ही कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना कर सकते थे। इस साल देश भर में 77वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हम याद करते हैं उनके योगदान को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं।